तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ था और इस चैनल के माध्यम से तमाम बहुत सटीक जानकारी आप सभी को दी जाती हैं, जिससे कि आप सभी को चाहे वो एडेड जूनियर भर्ती हो या फिर किसी और भर्ती के बारे में, और सबसे पहले भी देने का कार्य किया जाता है, जिससे कि आपको सटीक जानकारी सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको याद होगा, जिस तारीख से याचिका दाखिल हुई थी उस तारीख से लेकर आज के अंतिम फैसले तक मैंने आप सभी को सबसे पहले बताया था कि एडेड यूनियन शिक्षक भर्ती में 50% का जो मामला वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। लेकिन अब ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो आ चुका है, भर्ती के अंदर एक नया मोड आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसी को लेकर जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन रिक्वेस्ट आप सभी से होती है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि देखने वालों की संख्या के मुताबिक आप सभी लाइक करके नहीं जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से 100% आप सभी के लिए दिया जाता है तमाम वो सूचनाओं के लिए, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है और उसके बाद से यहाँ पे भर्ती में एक नया मोड देखने के लिए मिल रहा है। मामला यह है कि 50% से कम वाले छात्रों को इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से एक जानकारी दी गई थी पिछली सुनवाई के अंदर, सरकार से पूछा गया था कि आर्टिकल 14 और 16 की वायलेशन देखने के लिए मिली है सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अंदर, जिसको लेकर सरकार के अधिवक्ताओं से जवाब मांगा गया था और अधिवक्ताओं को लेकर वहां से कोई भी आंसर नहीं मिला, ना तो सरकार के अधिवक्ताओं ने कोई जवाब दिया। इसके चलते हाईकोर्ट के पिटीशनर जो थे उनकी तरफ से मांग की गई कि जो पिटीशनर है उनको मौका दे दिया जाए यहां पे भर्ती में आवेदन करने का। तो कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पे राहत देते हुए अंतिम राहत दी गई है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, जिसको हम कहते हैं अंतिम राहत के तौर पे यहाँ पे उनको आवेदन करने का मौका दे दिया गया और पीएनबी को निर्देशित किया गया कि वो 2 दिन के अंदर इन सभी छात्रों के आवेदन ले ले। लेकिन मामला यहीं पे शांत होगा नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि समस्या तो यहाँ से शुरू होने वाली है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है 50% का मामला। अब जैसा कि आप जानते हैं कि याचियों को यहाँ पे राहत दे दी गई है, उसके बाद से तमाम छात्रों की ओर से एक बार फिर से नई याचिका दाखिल की जा रही है और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश जारी किया गया है कि याचियों को राहत देते हुए उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए, मतलब यहाँ पे 50% की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है याचियों के लिए। तो एक बार फिर से याचियों की टोली वहां पे जाने वाली, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ याची बन के एक नई याचिका दाखिल करने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो इलाहाबाद के अंदर हो या फिर लखनऊ के अंदर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं जिसके अंदर याचियों को मौके मिल रहे हैं, इससे दो सबसे बड़े नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो उन छात्रों के लिए जो लंबे समय तक पढ़ाई करते रहते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, अब उनको पहले याची बनना पड़ेगा। पहले होता था कि सिर्फ फॉर्म भर के उनका काम चल जाता था, लेकिन अब हर भर्ती के अंदर उनको याची बनना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश ही ऐसे दिए जा रहे हैं कि हम याची बनेंगे तो याची लाभ दे दिया जाएगा। अब ऐसे में एक बार फिर से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि सभी 50% वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाए और जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे ना बढ़ाया जाए या फिर इन सभी छात्रों को भी शामिल कर लिया जाए जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब याची लाभ का मामला देखने के लिए मिलता है तो और भी बहुत सारी याचिकाएं तैयार हो जाती हैं। इसको लेकर 17 अक्टूबर 2021 से पहले एक बार फिर से नई याचिकाएं दाखिल करके इन्हीं तमाम मांगों के साथ में हाईकोर्ट के सामने मामला रखा जाएगा और उसमें यह मांग की जाएगी कि 50% वाले छात्रों को एक बार फिर से मौका दिया जाए। और ऐसे में अगर किसी याचिका के अंदर एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ से याची लाभ दे दिया जाता है, दोबारा से आवेदन करने का मौका दे दिया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि पीएनपी का जो कार्य होगा वो 17 अक्टूबर से पहले बार बार आवेदन ही लेता रहेगा। परीक्षा को लेकर क्या होगा ये तो बाद में फैसला किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से जो अपना आदेश दिया गया वो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे याचियों को आवेदन करने का मौका दिया गया है। इसके अलावा जो परीक्षा तय तारीख पे होने वाली है, मतलब कि 17 अक्टूबर 2021 को लेकर, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर और भी तमाम याचिकाएं डाली जाती हैं, उन पर दोबारा से सुनवाइयाँ होती हैं, उनको भी अगर मौका दिया जाता है तो परीक्षा को लेकर क्या होने वाला है इससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं उन सभी छात्रों के लिए जो काफी लंबे समय से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन करके बैठे हुए थे, या फिर वो सभी छात्र जो 50% की वजह से बाहर बैठे हुए थे। अब फैसला क्या होगा ये तो आने वाली 1-2 सुनवाई के अंदर ही आपको पता चल जाएगा।
लेकिन ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये भी था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो एडमिट कार्ड आज की तारीख में जारी होने वाले थे, क्या वो एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। तो पहले मैं आप सबको बता दूं कि पीएनपी को जो आदेश प्राप्त किया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से, उस आदेश के मिल जाने के बाद में यहाँ से जो फैसला है वो लिया जाएगा आवेदन को लेकर। उम्मीद है कि अभी तक तो उनको आदेश नहीं मिला होगा, लेकिन जैसे ही कल सुबह तक ये आदेश पीएनपी को मिलता है उसके बाद में यहाँ पे सभी याचियों के आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद ही उम्मीद है कि एक साथ सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। अभी तक एडमिट कार्ड जारी को लेकर पीएनपी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बाकी आप सभी इंतजार कर लें, आज की तारीख में तो एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना नहीं लें। अगर देर रात तक कोई अपडेट होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि एक साथ सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएं, लेकिन जिस प्रकार का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी हुआ है उसको लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से कोर्ट में जाने वाले हैं। अब ये सुनवाई के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन ऐसे में बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं याची नहीं बन पाते हैं और याची बनाने से और भी समस्याएं क्रिएट होती हैं। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो सुनवाई के बाद ही आपको बताया जा सकता है, लेकिन मामला एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रों की मांग है कि सभी छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाए, इसको लेकर जल्दी आपको दो तीन याचिकाएं देखने के लिए मिलेंगी, जानकारी मैंने आपको पहले से दे दी है। अब सवाल यहां से देखने के लिए मिलता है परीक्षा को लेकर। तो मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि परीक्षा के बारे में हाईकोर्ट की तरफ से अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है, तो आपकी जो परीक्षा है फिलहाल तो 3 तारीख पर होने वाली है। तब तक आप लोग अपनी तैयारियों को करते रहें, जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी ना निकले कि परीक्षा के बारे में क्या होने वाला है तब तक आप भी इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहिएगा। जो भी ऑथेंटिक अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे इसके बारे में आप सभी इंतजार कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। आज की तारीख में जारी नहीं होंगे ऐसी जानकारी मिल रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ही बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था पिछले 2 दिनों से कि सर 80,000 की जो जानकारी देखने के लिए मिली है समाचार पत्रों के अंदर, इसके बारे में कितनी सच्चाई है। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 80,000 सरप्लस शिक्षकों के बारे में जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई थी वो पूरे तरीके से फर्जी देखने के लिए मिल रही है। किसी भी समाचार पत्र के अंदर ऐसी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है वो काफी लंबे समय पुरानी रिपोर्ट देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले 3 महीने के अंदर कोई रिपोर्ट अगर जारी की जाती है तो उसको हम एक्टिव कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट आपकी 6 महीने या फिर 7 महीने पुरानी होती है तो उसको हम एक्टिव नहीं कह सकते। इसके बारे में कोई भी अभी तक ऑफिशियल कॉपी भी देखने के लिए नहीं मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 80,000 शिक्षकों की जो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि सरप्लस शिक्षकों की संख्या है, 80,000 से ज़्यादा सरकार के पास शिक्षक है, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा तो है, लेकिन वहीं पीएवी की रिपोर्ट के अनुसार जो छात्रों की तरफ से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों पद खाली हैं, ऐसा ही सरकार ने जाकर जानकारी दी थी पीएबी की रिपोर्ट में, जो कि सितंबर की रिपोर्ट है जिसके अंदर 73,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो आप सभी उस रिपोर्ट को मान सकते हैं जो कि सितंबर की है, लेकिन इससे पहले की जितनी भी खबरें आप सभी के सामने वायरल हो रही हैं, चाहे वो 80,000 को लेकर हो 85,000 को लेकर, ये पूरे तरीके से फर्जी हैं। ऑथेंटिक जानकारी के लिए सिर्फ ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर विजिट करें, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।